हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। यू ऑल हैव बीन एंजॉयिंग योर लाइफ विद ऑल द जॉयज स्माइल्स एंड यू ऑल हैव बीन वर्किंग हार्ड अबाउट योर स्टडीज एंड वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ एज वेल। डियर वंस, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, द पोएम अ लैमेंट। एंड द पोइट इज, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द पोइट, वन ऑफ द फाइनेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैज एवर प्रोड्यूस्ड, मिस्टर पी बी शैली। एंड द मोस्ट स्पेसिफिक थिंग अबाउट मिस्टर पी बी शैली इज दैट ही इज द ग्रेटेस्ट पेसिमिस्टिक पोइट। देर आर टू टाइप्स ऑफ यू नो पीपल इन द वर्ल्ड, ऑप्टिमिस्टिक एज वेल एज पैसिमिस्टिक। जिंदगी को देखने का नज़रिए दो हैं, एक आशावादी है, एक निराशावादी है। एक बहुत पुराना एग्जाम्पल है, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि जब भी हम पानी मांगते हैं, हमें कोई पानी देता है और उसमें आधा पानी होता है, तो हमारे पास देखने के दो नज़रिए हैं, या तो हमें वो ग्लास आधा भरा नज़र आता है या आधा खाली नज़र आता है। अगर हमें आधा भरा नज़र आता है और हम कहते हैं भाई इसमें आधा पानी है, आधा भरा है, ये ऑप्टिमिज्म है, आशावाद, और अगर हम ये कहते हैं ये ग्लास तो आधा खाली है, तो यहाँ पर हमें निराशावाद नज़र आता है या नेगेटिविटी नज़र आती है। तो हमें ट्राई तो ही करना चाहिए कि पॉजिटिव हूँ, और पॉजिटिविटी ही सक्सेस है, पॉजिटिविटी ही स्माइल है, बिकॉज दुनिया के किसी पहलू को देखने का हमेशा नकारात्मक नज़रिया रहता है, वहाँ नकारात्मकता नेगेटिविटी होती ही है। इट इज़ अप टू अस टू थिंक अबाउट, टू सी वॉट वी वॉन्ट टू सी, कि हम क्या देख रहे हैं या हम क्या देखना चाहते हैं। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि किसी भी कंटेंट में देखिए, किसी भी एग्जाम्पल में देखिए, किसी भी सिनेरियो में देखेंगे तो हमें ये ज़रूर लगेगा कि यहाँ पर कुछ अच्छाई ज़रूर है, और हमें यहाँ भी ये भी लगेगा कि यहाँ पर इसमें कुछ बुराई ज़रूर है। एक मैं बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपके साथ एक और शेयर करना चाहूँगा। एक शायर हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि इस अहले इबादत में ये मकाम तो आया, खाली ही तही सही मेरी तरफ जान तो आया। शकील बदायनी, नाम भी याद आ गया। इस अहले इबादत में ये मकाम तो आया, खाली ही सही मेरी तरफ जान तो आया। कहते हैं कि लोग आपसे कि हैं बड़े शकील, तेरे हुस्न के सदके में मेरा नाम तो आया। ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है पॉजिटिविटी का, या किसी चीज़ को आशावाद से देखने का, ऑप्टिमिज्म का, कि हमें कुछ भी मिला हो ये मान के चलें कि हमें कुछ तो मिला है। और दूसरी तरफ नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है। एक सॉन्ग मोहम्मद रफ़ी साहब का अदा रहा है कि वो शायर कह रहा है कि कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी ख्याल आता नहीं, और ज़िंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ भी नज़र आता नहीं। सो इन दिस एग्जाम्पल या और इन दीज एग्जाम्पल्स वी कैन अंडरस्टैंड दैट देर आर टू वेज, देर आर टू डिफरेंट अप्रोचेज टुवर्ड्स लाइफ। वन इज पेसिमिज्म, अनदर इज ऑप्टिमिज्म। एक आशावाद है, एक निराशावाद है। पोएम का नाम है अ लैमेंट, इसका खुद मतलब ही है रोना, विलाप, रुदन, क्रंदन, दुख। इससे पता चल सकता है कि पोइट क्या कहना चाहता है। लाइफ इज फुल ऑफ सो सॉरोज अनबेरेबल। जब जिंदगी में दुख बहुत हो, लाइफ में इतनी तकलीफ़ें हों, मुश्किल हों, और उस वक्त अगर हम किसी को ऑफर करें कि सर चलिए आप घूमने चलते हैं, और हम एक खूबसूरत वादियों में भी जाके ले जाएंगे उसे, तो भी वो एक कोने में बैठ जाएगा, बिकॉज हिज हार्ट इज सो मच पेनफुल एट दैट टाइम एंड ही कैन नॉट एन्जॉय द ब्यूटी ऑल राउंड। अपने चारों ओर की खूबसूरती को एन्जॉय तब तक नहीं कर सकता जब तक उसका दिल खुश ना हो, चैन में ना हो। दूसरी ओर वही आदमी अगर वो खुश है, उसकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा जॉयफुल इवेंट हुआ है, तो आप उसे पतझर में भी ले जाएंगे, कब्रिस्तान में भी ले जाएंगे, वहाँ भी वो अपने फ्रेंड्स को अच्छे अच्छे मैसेज करेगा, उन्हें तरह तरह के यू नो इमोजी भेजेगा, जॉय के साथ, स्माइल्स के साथ, है ना। तो इट इज़ जस्ट अबाउट द फीलिंग वी आर फीलिंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट।
उस क्षण हमारे दिल में जो जज्बात होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, जो हमारी लाइफ में उस समय खुशी होती है, अच्छाई होती है, तो हम उस वातावरण को भी अच्छाई या सुंदरता से भर देते हैं। पोइट यहीं पर कहना चाहता है बार बार, आई वॉन्ट टू रिकॉल ऑल दोज ब्यूटिफुल डेज ऑफ माई लाइफ, काश वो बीते हुए दिन वापस आते। कोई गाना है ना पुराना, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, मन्ना डे साहब का गीत है। तो वो पुराने गाने, जब हमारा प्रेजेंट अच्छा नहीं होता तो हम पास्ट की ओर जाते हैं। एक थ्योरी है सर, देखिए प्लीज़ समझिएगा, एक फिलॉसफी है, वी लुक इनटू आवर पास्ट व्हेन वी आर नॉट हैप्पी इन आवर प्रेजेंट। जब हम दुखी होंगे तो हम पास्ट में जाएंगे, और जब हम खुश होंगे तो फ्यूचर में जाएंगे। व्हेन वी आर हैप्पी वी आर फुल ऑफ स्माइल्स विद सम सक्सेस, वी बिगिन टू प्लान अ बेटर फ्यूचर, अ ब्राइटर फ्यूचर एज वेल एज अ हैप्पियर फ्यूचर। जब हमारा वर्तमान अच्छा होता है, प्रेजेंट अच्छा होता है, तो हम सुनहरे भविष्य की रचना में लग जाते हैं, सुनहरे भविष्य की यादों में निर्माण में लग जाते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी व्हेन वी आर नॉट हैप्पी वी आर फुल ऑफ सॉरो, जब हम गमों में होते हैं, तकलीफों में होते हैं, पेनफुल होते हैं, वी ट्राई टू सर्च टू पिक सम लवली स्टोन्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द बॉटम। तब हम जिंदगी की गहराइयों से जो हमारा बीता हुआ पास्ट, उनके खूबसूरत उन लम्हों को निकाल के लाते हैं, और उस वक्त हम मुकेश के दर्द भरे गीत सुनते हैं दोस्तों। सो एंजॉय करिएगा ऐसे ही। आई होप आपको ये पोएम का सेंट्रल आइडिया बहुत पसंद आया होगा। पी वी शैली ही कह रहे हैं, आई वॉन्ट टू रिकॉल ऑल दो ब्यूटिफुल मोमेंट्स बिकॉज माई प्रेजेंट इज नॉट गुड एंड आई एम इन द लैप ऑफ नेचर, द एटमोसफियर सो ब्यूटिफुल, खूबसूरत जगह है, सुंदर वादियाँ हैं, प्यारे प्यारे झरने हैं, खूबसूरत फ्लावर्स हैं, अच्छी हवा चल रही है, बट आई कैन नॉट एन्जॉय ऑल दिस बिकॉज माई हार्ट इज सो मच पेनफुल, देयर फोर आई वॉन्ट टू डाई, मैं मरना चाहता हूँ। एक छोटे से नोट को जोड़ूंगा, सुशांत का केस आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता, बहुत तकलीफ देह जो कुछ भी है। जब जब हम बहुत दुख में होते हैं तो एक तरह से ये अपील होती है, हमें वो चीज़ अच्छी लगती है, और हम वर्तमान के साथ अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। ये मैसेज भी साथ में लेके चलें इस पोएम के, कि हमारा प्रेजेंट भले ही अच्छा ना हो बट फ्यूचर अच्छा हो, इसकी उम्मीद हमेशा बनी रहेगी। हो सकता है प्रेजेंट में उसकी उम्मीदें कम हों, बट आवर एफर्ट्स, अगर हमारे पास जीतने के, जैसे कहते हैं ना, मैच खेल रहे हैं, आईपीएल से भी जोड़ने चल रहा है, अगर आपको अधिक रन बनाने हैं तो थोड़ा सा एफर्ट बढ़ाना होगा, क्रीज के बाहर निकलना होगा डियर वंस, और स्ट्राइक रेट बढ़ाएंगे, प्लीज़ दो चौके और एक छक्का मैच का नक्शा बदल देते हैं, एक अच्छा ओवर मैच का मोड़ बदल देता है। ऐसे ही बुरे से बुरे समय में भी एक अच्छा स्टेप, एक पेशेंस से भरा हुआ स्ट्रोक, एक छोटा सा डिसीज़न, एक अच्छी सी शुरुआत, एक थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी जिम्मेदारी के साथ उस पल को बिताइए, अच्छी गेंद का सामना करिए, बुरे समय में थोड़ा और सावधान होकर आगे बढ़िएगा, और लैमेंट पोएम को समझिएगा, लेकिन लाइफ को लैमेंट से नहीं, पॉजिटिविटी से बढ़िएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।